हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक फोटोग्राफी वेबसाइट लैंडिंग पेज। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये इफेक्ट ऐड किया है, जहां पे भी हम माउस का पॉइंटर मूव करते हैं उसी साइड ये हमारी इमेज मूव हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारी इमेजेस पड़ी है और हमारी index.html फाइल और हमारी css की फाइल पड़ी है। तो इन दोनों इमेजेस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर में और करते हैं कोडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने html का फॉर्मेट क्रिएट कर रखा है और साथ में जो हमारी css वाली फाइल है उसको भी लिंक कर रखा है। तो ये हमारी style.css की फाइल रहेगी और ये हमारी index.html की फाइल। तो चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं हम हमारा हेडर टैग, और हेडर टैग के अंदर हमारी जो नैव बार है उसको बनाते हैं। तो नैव टैग लेते हैं और हमारे मेन्यूज क्रिएट करते हैं, इसको करते हैं सेव और देखते हैं इसका आउटपुट। तो कॉपी फाइल पाथ करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं पेस्ट। तो ये देखिए मेन्यूज हमारे इधर आ चुके हैं। अब करना है स्टाइल, तो आते हैं हमारे style.css में और सबसे पहले किसको स्टाइल करेंगे, हमारे हेडर टैग को। तो यहाँ से करते हैं कॉपी और आते हैं style.css में और यहाँ पे करते हैं पेस्ट और हेडर को करते हैं स्टाइल। तो यहाँ पे विड्थ सेट कर देते हैं हेडर की 100% और हाइट सेट कर देते हैं 100 VH यानी वर्टिकल हाइट। अब हम स्टाइल करते हैं हमारी नेव बार को। तो हमारी नेव बार को हम विड्थ दे देंगे यहाँ पे 50% और इसकी हाइट सेट कर देंगे यहाँ पे 70 पिक्सल की, और साथ में ही इसमें डिस्प्ले ऐड कर देते हैं डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और सॉरी सेंटर नहीं स्पेस अराउंड देंगे यहाँ पे और अलाइन आइटम्स दे देंगे सेंटर। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए मेन्यूज इतने रेडी हो चुके हैं बनके। अब इसके अंदर जो हमारे एंकर टैग है उनको हमें स्टाइल करना है। नैव के अंदर जो हमारे ए टैग है उनको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन और इनका जो कलर है वो कर देते हैं ब्लैक और इनके फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल और साथ में ही फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं इनका बोल्ड। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए मेन्यू क्रिएट हो चुके हैं लेकिन ये इस साइड आ रहे हैं, हमें राइट साइड में चाहिए। सो नैव बार में हम यहाँ लिख देते हैं फ्लॉट राइट। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए नैव बार हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, हमारा ये लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो आते हैं हमारे index.html में और नैव टैग के बाद में क्रिएट करते हैं एक div और उस div की क्लास सेट कर देते हैं यहाँ पे कंटेनर, और कंटेनर के अंदर div क्रिएट करते हैं हमारे एक लेफ्ट का और एक राइट का। तो क्लास यहाँ पे दे देते हैं लेफ्ट और अगेन एक div और क्रिएट करते हैं और उस div की क्लास सेट कर देंगे राइट, और जो लेफ्ट वाला div है उसके अंदर हमें लगानी है हमारी इमेज। तो इमेज लगा देते हैं, इमेज का नेम है हमारा कैमरा डॉट पी एन जी उसका टाइप है। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं अपने वाली फाइल को रिफ्रेश। तो ये देखिए इमेज आ चुकी है। अब जो लेफ्ट वाला डिव है उसके अंदर हमें टेक्स्ट क्रिएट करना है, जो भी हमारा है पैराग्राफ वगैरह। तो इसके अंदर एक डिव क्रिएट करते हैं और उस डिव की यहाँ पे हम क्लास सेट कर देते हैं टेक्स्ट, और इस डिव के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या क्रिएट करना है, ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ है, ये हमारी हेडिंग है, अगेन एक पैराग्राफ है। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो आते हैं हमारे HTML वाली फाइल में और क्रिएट करते हैं हमारा पैराग्राफ हेडिंग एंड देन अगेन पैराग्राफ। सेव करते हैं और अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद और हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है हमारा बटन और ये आइकन। तो चलिए ये भी पहले क्रिएट कर लेते हैं। सो इस पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं हमारा
बटन तो लगाते हैं बटन टैग और वैल्यू इसके सेट कर देते हैं हायर मी, और इस बटन के बाद में हमारे जो आइकन है वो लगाते हैं, तो img, और यहाँ पे लिख देते हैं icon.png, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए जितने भी एलिमेंट क्रिएट करने थे हमने क्रिएट कर लिए। अब इनको हमें करना है स्टाइल, तो आते हैं हमारे style.css में, और सबसे पहले किसको स्टाइल करते हैं, हमारे कंटेनर को। तो यहाँ पे देखिएगा जिसकी क्लास हमने सेट करी है कंटेनर, उसको करते हैं स्टाइल। तो सबसे पहले कंटेनर की हम विड्थ सेट कर देते हैं 100%, और इसके अंदर लगाते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स दे देते हैं यहाँ पे सेंटर, सेव करते हैं। और कंटेनर के अंदर जो हमारा लेफ्ट वाला डिव है जिसकी क्लास हमने लेफ्ट सेट करी है, उसको देते हैं फ्लैक्स बेसिस 40%, एंड इसको करते हैं यहाँ से कॉपी एंड देन नीचे करते हैं पेस्ट, और लेफ्ट की जगह क्या कर देते हैं राइट, और इसका फ्लेक्स बेसिस कितना कर देंगे 60, सेव करते हैं और रिफ्रेश। सो ये देखिए लेफ्ट और राइट में सेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो इमेज है, जो आपका लेफ्ट वाला डिव था उसके अंदर जो हमारी इमेज है img, उसको भी स्टाइल करते हैं। तो विड्थ कर देते हैं उसकी 100%, और साथ में ही पैडिंग दे देते हैं उसको टॉप से 30 पिक्सल की, और पैडिंग लेफ्ट से दे देते हैं थोड़ी सी 10 पिक्सल की, सेव करते हैं और रिफ्रेश। ये देखिए सेट हो चुके हैं इतनी। अब हमें जो राइट वाला सेक्शन है उसको स्टाइल करना है, तो कर लेते हैं। तो देखिए राइट वाले सेक्शन के अंदर हमने डिव क्रिएट किया है जिसकी क्लास सेट करी है टेक्स्ट, इसको करते हैं कॉपी और आते हैं style.css में, और इसको करते हैं स्टाइल। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं 400 पिक्सल, और इसका मार्जिन सेट कर देते हैं यहाँ पे ऑटो ताकि ये सेंटर में आ जाए, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना हमने सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारी हेडिंग है यानी टेक्स्ट के अंदर जो हमारा h1 है उसको स्टाइल करते हैं। तो इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको कर देते हैं 50 पिक्सल, और इसका जो कलर है वो सेट कर देते हैं सेव एंड करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए हेडिंग हमने कर लिया डिजाइन। अब जो पैराग्राफ है उसको हमें स्टाइल करना है, तो टेक्स्ट के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है यानी पी टैग है उसको करते हैं स्टाइल। तो जिसकी क्लास हमने सेट करी टेक्स्ट उसके अंदर जो हमारा पी टैग है, सबसे पहले उसको करते हैं फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, और उसका जो फॉन्ट वेट है उसको कर देते हैं बोल्ड, और साथ में इसको मार्जिन ऐड कर देते हैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल का, सेव एंड रिफ्रेश। सो ये देखिए इतना हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बटन है और आइकन है उनको स्टाइल करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो जो हमारा बटन है उसको स्टाइल करते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा बटन है उसको देते हैं हम पैडिंग, पैडिंग ऐड कर देते हैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल, और साथ में ही हम इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो चेंज कर देते हैं, वो करते हैं ये, और साथ में ही इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो कर देते हैं वाइट, और मार्जिन इसको ऐड कर देते हैं टॉप और बॉटम से वही 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल, और इसके अंदर बॉर्डर करते हैं नन, सेव एंड रिफ्रेश। सो ये देखिए इतना क्रिएट कर लिया। अब जो आइकन है उनको हमें स्टाइल करना है, तो चलिए कर लेते हैं। आते हैं हमारी HTML में, और बटन के बाद में एक BR टैग लगा देते हैं, और इस आइकन को हम देते हैं एक ID, और चलिए ID दे देते हैं आइकन नेम से ही, सेव करते हैं और आते हैं हमारे CSS वाली फाइल में, और जिसकी ID हमने सेट करी है आइकन उसको करते हैं स्टाइल। तो इसकी जो विड्थ है वो सेट कर लेते हैं पहले 100 पिक्सल, और इसको भी मार्जिन दे देते हैं टॉप से 10 पिक्सल का, सेव करते हैं और रिफ्रेश। सो ये देखिए हमने इतना क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या क्रिएट करना है, ये जो हमारे दो बॉक्सेस हैं इनको क्रिएट करना है पहले। तो ये बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं, देखिए कैसे क्रिएट करते हैं। आते हैं index.html में, और हेडर के बाद में
सॉरी हेडर के बाद में यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक div और उस div की क्लास सेट कर देते हैं स्क्वायर। सेव करते हैं, आते हैं CSS वाली फाइल में और जिसकी क्लास हमने सेट करी है स्क्वायर उसको करते हैं स्टाइल। सो यहाँ पे हम विड्थ सेट कर देते हैं 35% और हाइट सेट कर देते हैं 60% और बैकग्राउंड में कलर अप्लाई कर देते हैं और इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट और ये कहाँ पे चाहिए हमें टॉप पे तो टॉप से दे देते हैं 0 margin और लेफ्ट से भी दे देते हैं 0 margin। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब ये हमें चाहिए पीछे की साइड, तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें अप्लाई करते हैं जेड इंडेक्स। तो यहाँ जेड इंडेक्स दे देंगे -1। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए पीछे जा चुका है बैकग्राउंड जो भी हमने अप्लाई किया। अब इसके बाद सेम एज इट इज हमें कहाँ क्रिएट करना है, इस साइड कॉर्नर में, तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। सो एक स्क्वायर बॉक्स और क्रिएट करते हैं। तो एज इट इज हम इस डिव को करते हैं यहाँ से कॉपी और नीचे कर लेते हैं पेस्ट और स्क्वायर इसके आगे लिख देते हैं 2। सेव करते हैं और आते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में और इसको भी करते हैं यहाँ से कॉपी एंड देन कर लेते हैं नीचे पेस्ट और यहाँ पे भी लिख देते हैं 2। और ये हमें कहाँ चाहिए, बॉटम में, तो टॉप की जगह हम क्या ऐड कर देंगे बॉटम से, तो बॉटम से कितना 0 और लेफ्ट की जगह क्या कर देंगे राइट। सेव करते हैं और इसकी जो हाइट और विड्थ है वो भी चेंज कर देते हैं। विड्थ इसकी कर देते हैं हम 20% और हाइट सेट कर देते हैं 35%। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए इतना हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें इस पे इफेक्ट ऐड करना है इमेज के ऊपर, तो चलिए कर देते हैं। सो आते हैं गूगल में और सर्च करते हैं jQuery CDN। तो जो सबसे पहली लिंक है उस पे कर देना है हमें क्लिक और यहाँ से हमें jQuery का CDN कर लेना है लिंक। तो यहाँ पे करते हैं हम कॉपी पे क्लिक और आते हैं हमारे HTML में और कर लेते हैं यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट और इसके अंदर से ये जो है इसको कर लेते हैं कट, इतना हमें नहीं चाहिए। सेव करते हैं और वापस आते हैं ब्राउजर पे और सर्च करते हैं नेक्स्ट tilt.js, tilt.js सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी उस पर कर देना है क्लिक। तो क्लिक करते ही आपका ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, ये देखें यहाँ पे इसने डेमो दिखा भी रखा है। तो डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपकी एक जिप फाइल होगी, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखिए अपने फोल्डर में यहाँ पे इसको डाउनलोड कर रखा है। अब इसको करते हैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको जाना है डेस्ट फोल्डर के अंदर और यहाँ पे आपको फाइल मिलेगी tilt.jquery.main। तो इसको करना है यहाँ से कट और अपना जो मेन फोल्डर है उसके अंदर आके कर लेते हैं पेस्ट। अब इसको करते हैं हमारे HTML वाली फाइल में लिंक, तो कर देते हैं। तो आते हैं हमारी HTML वाली फाइल में और सबसे नीचे बॉडी टैग के पास में क्रिएट करते हैं एक स्क्रिप्ट टैग और इसको करते हैं लिंक। तो लिखते हैं यहाँ पे src और कर लेते हैं पेस्ट डॉट इसका टाइप है js। सेव करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट जहाँ पे हमने ये इमेज पुट करी है, ये देखिए यहाँ पे हमने ये इमेज लगाई है, इसके अंदर हमें लिख देना है बस data-tilt। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके अपनी वाली फाइल को करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए सेम इफेक्ट हमने अप्लाई कर दिया है हमारी वाली इमेज के ऊपर भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।